ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त की, मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जो न्यायिक हिरासत है उसको आज वो खत्म हो रही है। ऐसे में आज राउज एवेन्यू कोर्ट में उनको पेश किया जाएगा और जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है उसके माध्यम से उनकी पेशी होगी। ये जानकारी सामने आ रही, दिल्ली शराब घोटाला मामला, इसमें सीएम केजरीवाल की आज पेशी का दिन है। आज राउज एवेन्यू कोर्ट में उनको पेश किया जाएगा, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेश होंगे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। तो इस बीच सीएम केजरीवाल की जो डाइट है उसको लेकर तिहाड़ के डीजी ने जी न्यूज से खास बातचीत की। उन्होंने साफ कहा कि कोर्ट के आदेश के तहत केजरीवाल का खाना आता है, देखिए। दिल्ली के सीएम केजरीवाल के खाने को लेकर सियासी पारा हाई है, बात कोर्ट तक भी पहुंच गई है। लेकिन इस बीच जी न्यूज ने तिहाड़ के डीजी से खास बातचीत की है। उन्होंने बताया कि सारे कैदी हमारे लिए एक है, इनकी सेहत का ध्यान रख रहे हैं, जेल सबके लिए एक है। पेशेंट हमारे पास शुगर के भी मरीज होते हैं जिनको हमारे 90 से ज़्यादा डॉक्टर्स हैं, वो उनको ट्रीट करते हैं या रेफरल हॉस्पिटल्स में भी उनको एक्सपर्ट से दिखाए जाते हैं। ये एक आम सामान्य प्रक्रिया है जिसको फॉलो किया जाता है, तो हर केस में करते हैं, इसमें भी करते हैं। वहीं सीएम केजरीवाल को दिए जाने वाले खाने को लेकर उन्होंने कहा कि कोर्ट के आदेश के तहत केजरीवाल का खाना आता है। उनके लिए खाना आता है एक कोर्ट आदेश के अनुसार और वो हम फॉलो करते हैं। उसके लिए इनमेट की किसी के लिए भी इस तरह की व्यवस्था कभी कभी हो जाती। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने कहा है कि जो घर के खाने में चीजें मिली हैं वो उनके डॉक्टर की तरफ से सुझाई गई डाइट से मेल बिल्कुल नहीं खाती हैं। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की दो मांगे एक ही दिन कोर्ट ने खारिज कर दी। सीएम केजरीवाल ने इंसुलिन देने और निजी डॉक्टर से सलाह लेने के लिए याचिका दी थी जिसे कोर्ट ने मानने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने केजरीवाल की इंसुलिन देने और निजी डॉक्टर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इलाज की मांग वाली याचिका खारिज कर दी है। साथ ही कोर्ट ने तिहाड़ जेल प्रशासन को निर्देश दिया है कि इस सिलसिले में एम्स के डॉक्टरों की निगरानी में मेडिकल बोर्ड का गठन हो जो ये तय करेगा कि अरविंद केजरीवाल को इंसुलिन दिया जाए या नहीं। साथ ही कोर्ट ने कहा है कि तिहाड़ जेल प्रशासन की जिम्मेदारी होगी कि अरविंद केजरीवाल को जेल के अंदर जरूरी चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जाए और उनकी सेहत का पूरा ख्याल रखा जाए। कोर्ट ने कहा कि तिहाड़ जेल के जवाब से साफ है कि उनकी मेडिकल हालत पर लगातार नजर रखी जा रही है, दिन में दो बार उनका शुगर लेवल चेक हो रहा है। केजरीवाल जेल में दूसरे कैदियों के समान ही है, सब कैदियों पर एक समान लागू होता है। कोर्ट ने यह भी कहा कि निजी इलाज की उनकी मांग को सिर्फ उसी सूरत में स्वीकार किया जा सकता है जब जेल अथॉरिटी उन्हें समुचित उपचार न उपलब्ध करा पाए। Z News.